राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास रेलवे प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को घर को खाली कराया गया और बुलडोजर से मकान को तोड़ने का कार्य जारी है। वहीं लोगों ने कहा कि हम लोग प्रशासन से एक दो दिन का समय मांग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों की एक न सुनी और धड़ाधड़ घर की दीवारें तोड़ने लगे। उसी समय वहां की महिलाएं पुलिस के साथ तू-तू मैं-मैं करती भी दिखी। वहीं स्थानीय लोगों ने जमकर राज्य सरकार के विधि व्यवस्था को कोसा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किया। वहीं उपस्थित रेलवे अधिकारी कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए। बता दें कि रांची के बिरसा चौक में अतिक्रमण कर रहे सैकड़ों लोग आज बेघर हो जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार को हम लोग के बारे में कुछ सोचना चाहिए था। हम लोगों की रात अब सड़क पर ही बीतेगी। वहीं खुशबू बदला हुआ नाम का कहना है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, ऐसी स्थिति में सरकार का घर उजाड़ने का निर्णय उचित नहीं है। हम लोग बहुत गरीब हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। अधिकारी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो मैं आप पर केस कर दूंगी। बिरसा चौक स्थित हटिया रांची रेलखंड के आसपास बसे लोगों के मकान को आज बुलडोजर से तोड़ा गया। मौके पर दो बुलडोजर और दल बल के साथ रेलवे प्रशासन की टीम ने रेलवे लाइन के इर्द गिर्द बने अवैध आवास और व्यवसाय को जमीन दोज कर दिया। रेलवे ने बताया कि 14 नवंबर को 24 लोगों को नोटिस दिया गया था, अब कार्रवाई की जा रही है। यहां गौर करने वाली बात है कि रांची एवं हटिया रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्वार का फेज 2 के तहत इसके पूर्व भी मेकॉन गेट एवं भूखड़ पुल के पास अतिक्रमण को मुक्त कर लिया गया है। अब रांची हटिया के बीच एक नई अप एवं डाउन लाइन का निर्माण शुरू हो सकेगा। इधर लोगों का कहना है कि वह लंबे अरसे से यहां रह रहे थे, हटने के लिए तैयार भी थे, लेकिन थोड़ी मोहलत मिलती तो बेहतर होता। रेलवे जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है। यहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि विकास की रफ्तार में अतिक्रमण बाधक बनता है, लेकिन लंबे अरसे से रह रहे लोगों को पुनर्वास का भी अधिकार प्राप्त है जो यहाँ नजर नहीं आता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।